क्या आपको अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके चार्ज करना पड़ रहा है, और अगर आप उसी फ़ोन को स्विच ऑन करके चार्जिंग पे लगाते हैं तो वो ना तो चार्जिंग शो करता है और ना ही चार्ज होता है। अगर इस तरह की प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। वीडियो में लास्ट तक बने रहें क्योंकि अगले 2 मिनट में मैं आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने वाला हूं। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यंत्रा टाइम। गाइज, आज की इस वीडियो में मैं चार्जिंग से रिलेटेड ऐसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताने वाला हूं, जिस प्रॉब्लम के बारे में यूज़र, मतलब जो फ़ोन का यूज़र है, वो क्या खुद टेक्नीशियन तक कंफ्यूज रहते हैं कि प्रॉब्लम कहां से है। फ़ोन में प्रॉब्लम है, बैटरी में प्रॉब्लम है, जैक में प्रॉब्लम है, या चार्जर में प्रॉब्लम है, कंफ्यूज रहते हैं। और गाइज, प्रॉब्लम कुछ इस तरह है कि कई बार क्या होता है, फ़ोन में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है जिसमें अगर हम फ़ोन को ऑफ़ करके चार्ज करते हैं तो ठीक ठाक चार्ज होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन अगर हम उसी फ़ोन को ऑन करके चार्जिंग पे लगाते हैं तो वो ना तो चार्ज होता है, ना ही चार्जिंग का साइन जो ऊपर आता है वो इंडिकेट करता है। कुछ इसी तरह का फ़ोन, सेम प्रॉब्लम का फ़ोन मेरे हाथ में है इस वक्त, आप देख सकते हैं, ये रेडमी का Y2 मॉडल है। गाइज, एक चीज़ और मैं बता दूँ कि ये प्रॉब्लम का जो मैं सॉल्यूशन बताने वाला हूँ उसमें ब्रांड मैटर नहीं करता, मतलब ये सॉल्यूशन सभी ब्रांड्स के लिए है, चाहे वो सैमसंग हो, MI हो, ओप्पो हो, वीवो हो, रियलमी हो, कोई भी कंपनी का फ़ोन हो, सब में सेम सॉल्यूशन आएगा, मतलब सेम चीज़ बदल के, सेम पार्ट को बदल के आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं पहले आपको एक बार इसकी प्रॉब्लम ढंग से दिखा देता हूँ, समझ लेते हैं प्रॉब्लम को कि आखिर होती क्या है। गाइस देखिए, ये फ़ोन है, ये फ़िलहाल ऑन है, अब मैंने चार्जिंग इसमें लगाई और इसमें कोई रिस्पांस नहीं हुआ, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए 72% चार्ज है और मैंने चार्जर लगाया हुआ है बट इसमें चार्जिंग का साइन नहीं आ रहा। अब मैं एक ओके फ़ोन में सेम चार्जिंग लगा के दिखाता हूँ आपको। ये मैंने लगाया, ये आप देख सकते हैं चार्जिंग इंडिकेशन यहाँ भी आ गया और ऊपर बैटरी जहाँ होती है वहाँ भी आप देख सकते हैं 4% चार्ज है और उसके बगल में चार्जिंग साइन आ रहा है। तो ये तो खैर फ़ोन ठीक फ़ोन है, मैं इसकी बात नहीं करूँगा, प्रॉब्लम इस फ़ोन में है। ये मैं दोबारा से लगा के दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने चार्जिंग लगाई, 72% चार्ज, कोई इंडिकेशन नहीं दे रहा। बट मैं इस फ़ोन को अगर ऑफ़ कर देता हूँ, ये देखिए मैं ऑफ़ करके दिखाता हूँ, तो ये फ़ोन ठीक ठाक चार्ज होगा, कोई इशू नहीं है, चार्ज भी होगा, चलेगा भी, सारी कोई प्रॉब्लम नहीं, सारी चीज़ें ठीक है। गाइज, आप देख सकते हैं अभी फ़ोन ऑफ है। अब हम इसमें चार्जिंग लगाते हैं और देखते हैं क्या होता है। गाइज, आप देख सकते हैं चार्जिंग लगाया हमने, ये देखिए भाई 73% चार्जिंग दिखा रहा है, मतलब कि ऑफ में कोई इशू नहीं है, फर्स्ट क्लास चलता है, मतलब फर्स्ट क्लास चार्जिंग करता है, कोई इशू नहीं आता। मैं दोबारा निकालता हूँ इसे और दोबारा चार्जिंग लगा के देखते हैं। ये देखिए फिर से ये चालू हुआ और अभी ये चार्जिंग दिखाएगा। ये देखिए 73% चार्जिंग दिखा रहा है, बट प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम इसे ऑन करके चार्ज करने की कोशिश करते हैं तो चार्ज नहीं होता, ना ही चार्जिंग साइन दिखाता है। तो गाइज, इस तरह की प्रॉब्लम जब आ जाती है तो हमें क्या करना है, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, बताने वाला क्या हूँ, उसे करके दिखाऊँगा, बस 2 मिनट का काम है। चलिए, इसके लिए हमें फ़ोन को खोलना पड़ेगा, हम फटाफट से फ़ोन को खोल लेते हैं, जिसके लिए हमें एक तो स्क्रू ड्राइवर और सिम इजेक्टर पिन की ज़रूरत पड़ेगी। गाइज, आप देख सकते हैं कि मैंने फ़ोन को ओपन कर लिया है। गाइज, हमें इसमें करना क्या है ये समझ लेते हैं। गाइज, जब भी इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप ये मान के चलें कि ये होता है चार्जिंग फ्लेक्स, या चार्जिंग पत्ता कहते हैं हम लोग देसी भाषा में इसे, तो ये यहाँ से प्रॉब्लम आ जाती है, हमें कुछ नहीं करना, उठा के इस चार्जिंग पत्ते को चेंज कर देना है। और वो चार्जिंग पत्ता कैसा होता है ये आप देख सकते हैं, इस तरह से मार्केट में मिल जाता है, हमें यही चेंज करना है। तो उसे चेंज करने के लिए हमें ये स्क्रू वगैरह खोलने पड़ेंगे, तो मैं फटाफट से स्क्रू खोल लेता हूँ। गाइज, आप देख सकते हैं हमें ये पत्ता चेंज करना है।
ये हटाई हमने नेटवर्क वायर, ये मिडल पत्ता, और ये आप देख सकते हैं Y2 मॉडल है, इसलिए ये टच वाला पत्ता भी इसी में अटैच होता है। ये भी हमने हटाया और बहुत ही सावधानी के साथ हम इसे डी अटैच करेंगे। आप देख सकते हैं ये दोनों पत्ते सेम है। एक चीज़ ध्यान रखना है, हर एक मॉडल का पत्ता अलग अलग होता है। Y2 ये ख़राब वाला है, इसे हम हटाते हैं और एक नया लगाते हैं। और बिल्कुल आसान है इसे लगाना, कुछ भी नहीं करना, जस्ट इसे रख देना है और ये जो हमने पत्ते हटाए थे, चाहे वो मिडल पत्ता हो, वो अटैच कर देना है। ये टच का पत्ता अटैच किया और ये नेटवर्क पर ये भी हमने लगा दिया। बस गाइस सिर्फ इतना ही काम करना है इसमें, ये पत्ता चेंज करेंगे और सॉल्यूशन 100% हो जाएगा। अब मैं इसे पैक करता हूँ, उसके बाद आपको चेक कराता हूँ। गाइज आप देख सकते हैं हमने फ़ोन को फुली पैक कर लिया है। अब हम इसमें चार्जिंग लगा के देखते हैं क्या पोजीशन है। ये देखिए फ़िलहाल ये ऑफ कंडीशन में है। ये मैंने चार्जिंग लगाई और आप देख सकते हैं इसका इंडिकेशन आ गया, रेडमी लिखा हुआ आ गया। अभी आपको चार्जिंग साइन भी दिखा देगा, बैटरी में चार्ज होता हुआ दिखा देगा। ये देखा आप देख सकते हैं 72% इंडिकेशन दे रहा है ऑफ कंडीशन में। गाइज अब हम इसे ऑन कर लेते हैं और देखते हैं ऑन कंडीशन में अब ये चार्जिंग शो कर रहा है या नहीं। गाइज जब तक ये ऑन हो रहा है थोड़ा सा प्लीज़ वेट करें, मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये कम्प्लीटली ऑन हो गया है। मैं आपको दिखा देता हूं, अभी ये इंडिकेशन आने लग गया, पहले ये नहीं आ रहा था। आप देख सकते हैं 72% और ये चार्जिंग इंडिकेशन आ रहा है। मैं एक बार केबल को निकालता हूं, ये देखिए चार्जिंग इंडिकेशन चला गया, और फिर चार्जिंग केबल को लगाता हूं। ये देखिए मैंने लगा दिया और ये देखिए ये फिर से 72% आप देख सकते हैं। तो गाइज बिल्कुल सिंपल सा सॉल्यूशन है। जब भी इस तरह की प्रॉब्लम आए कि स्विच ऑफ होके चार्ज हो रहा है, स्विच ऑन होके चार्ज नहीं हो रहा, तो कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ वो पत्ता चेंज कर लेना है। ये पत्ता इजीली मार्केट में किसी भी मोबाइल शॉप से मिल जाता है। फिलहाल मैं देखो वीडियो में इसका रेट नहीं बता सकता क्योंकि ये काफ़ी दिक्कत वाला काम हो जाएगा। अगर आप मुझे कमेंट करके इसका रेट पूछते हैं तो मैं आपको बता दूंगा कितने रुपये का ये मार्केट में मिलेगा। और रही बात दूसरी, अगर इसे टेक्नीशियन कर रहा है तो कोई इशू नहीं है। बहुत सारे मेरे को कमेंट आते हैं कि सर हम घर में कैसे करेंगे कैसे नहीं, तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा उन लोगों से जिन्हें बिल्कुल भी टेक्निकली नॉलेज नहीं है, तो प्लीज़ वो खुद ना करने की कोशिश करें, अदरवाइज़ फ़ोन में ख़राबी और बढ़ सकती है। मैं यही गाइड करूँगा कि वो जाके मोबाइल टेक्नीशियन से जाके इसे ठीक करा लें। अगर आप टेक्निकली थोड़ी नॉलेज रखते हैं तो आप घर में भी बहुत ईजिली इसे कर सकते हैं। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी, अगर हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ हमें एक लाइक ज़रूर करके जाएं और सब्सक्राइब भी कर लें क्योंकि हम इसी तरह की वीडियोस आगे भी लाते रहते हैं। थैंक यू।